ये रिंकर डायरेक्ट का सैलेड शेफ है। मैं तकरीबन 2012 2012 में परचेज़ किया था। ये बटन है जो कि जो फंस जाता है कुछ आप काट रहे हो इन छोटे छोटे सुराखों के अंदर, उसको पुश करके बाहर निकाल देता है। ये कंटेनर के अंदर जो है वो नीचे ये है हमारे पास बोल है जिसके अंदर जो है वो सामान आएगा। ऊपर इसके जो है ये अटैचमेंट आ जाती है। ये दो हैं साइड्स इसके, जो कवर्ड है ये इस्तेमाल नहीं होगा, जो अनकवर्ड है उसके ऊपर आपको चीज़ रखनी होगी काटने के लिए। और इसके साथ ही इस तरह से आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, मुख्तलिफ ब्लेड्स जो इसके साथ अवेलेबल हैं। ये हमारे पास अगर आपने बड़े स्लाइसेस काटने हों और एप्पल या पोटैटो वगैरह के वेजेस बनाने हों, और इसी तरह से बड़े क्यूब्स हैं और साथ में बारीक स्ट्रिप्स छोटी छोटी बनानी हो, साथ ही साथ इसके अंदर ये स्लाइसर की ऑप्शन भी मौजूद है। इसको उस पर इंसर्ट करके आप स्लाइस कर सकते हैं। ये उसका कवर है ब्लेड का ताकि वो एक्सीडेंटली हाथ को ना लगा दे। और इसको आप जब अटैच करेंगे उस बोल के ऊपर फॉर स्लाइसिंग, तो आप इसका ये कवर जो है वो रिमूव कर देंगे और ये आपके पास है मौजूद। आपके हाथ को बचाते हुए आप स्लाइस कर सकते हैं। इसी तरह से ये श्रेडिंग के लिए है, कवर भी है इसके साथ। आप ये वाला जो बीच में अभी अटैचमेंट इंसर्ट हुई थी उसको निकालेंगे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप इसको रिमूव कर देते हैं, और साथ में जो आप लगाना चाह रहे हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एप्पल या वेजेस बनाने लगे हैं पोटैटोज़ के, तो उसके लिए आप ये इंसर्ट करेंगे, क्योंकि लिवर के उसूल के मुताबिक आपको जितना मोमेंट आर्म मिलेगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इस राइट साइड पर रख के वो उसमें फंस जाएगा, तो आप उसकी जगह पर वो लगाएंगे। साथ ही जब आप कटिंग कर लेते हैं तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं कवर करने के लिए ढक्कन। ये सारी कटिंग की ऑप्शंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस फॉर्म में बना सकते हैं, वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों। तो ये मल्टी सैलेड शेफ़ है, इसको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी देर हो गई है। ये कॉपी नहीं है, ये एक्चुअल रैंकर डायरेक्ट का है। सो क्वालिटी ऑफ ब्लेड्स एट्सेट्रा मैटर अलॉट। ये मैंने तकरीबन 2012 में 3000 का लिया था, लेकिन ये पीलर है जो कि मैंने कहीं रख के घुमा दिया हुआ है, बट पीलर वॉज ऑल्सो गुड। जो लोकल कॉपीज़ अवेलेबल हैं वो तकरीबन 1000 तक में मिल जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक और स्टील ब्लेड वगैरह की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कटिंग आसान नहीं होती। अभी ये डेमो देखने लगे हैं कि पील करके और ऐसे स्लाइस करके पोटैटो रखे हुए हैं, आप इसको डालते हैं और सिंपली उसको प्रेस कर देते हैं तो आपके पास छोटे छोटे उसके टुकड़े बन जाते हैं। मुझे जो है वो आज आलू की भुजिया बनानी है, जो मैं छोटे क्यूब्स के साथ बनाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। आप इसको सिंपली जो है वो उसके ऊपर प्लेस करते हैं और साथ उसको हैंडल को ऊपर से प्रेस कर देते हैं। काफ़ी स्मूथ रहता है। ब्लेड्स की क्वालिटी क्योंकि अच्छी है, ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं, तो बहुत आसानी से जो है वो कट जाता है। अभी मैं एक हाथ के साथ कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ व्हेन योर अदर हैंड इज़ फ्री तो आप क्या कर सकते हैं कि एक हाथ से आप डायरेक्टली जो है वो स्लाइस रखते रहते हैं और दूसरे के साथ उसको काट जाते हैं, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। सो हाफ द टाइम इट विल टेक जितना कि अभी वो ले रहा है। अभी आप चाहें तो इसका फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रा आखिर के एक मिनट की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप फाइनल व्यू कर सकते हैं। अभी मीन वाइल ये टोटल इसको दिखाने के लिए है कि ये तकरीबन आपके पास 1.25 किलो आलू हैं जो कि जिनके क्यूब्स बनाने हैं, तो उनको तकरीबन कितना टाइम लगेगा। हार्डली सारे के सारे तकरीबन 1.25 किलो आलू जो हैं बनाने का क्यूब्स, उनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर यही आप नाइफ के साथ कर रहे हों तो उसमें तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, और उसके साथ दूसरा इशू ये आता है कि आपके जो क्यूब्स कट रहे हैं वो काफ़ी अनइवन साइज़ के होते हैं। इसके अंदर जो है वो अनइवन हिस्सा सिर्फ वो होगा जो बिल्कुल कोनों के ऊपर जो रिम बनेगा आलू का उसका है। इसको साफ़ करना भी काफ़ी आसान है। इसको साफ़ करने के लिए ये सारे के सारे जो हैं वो पार्ट डिसमेंटल हो जाते हैं, पी ऊपर छोटे छोटे हिस्सों में है। इसका लिड जो है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में आके रिमूव हो जाता है। बीच वाला जो स्लाइसर का यानी कि नाइफ वाला एरिया है वो भी निकल जाता है। ये वाइट हिस्सा जो बेस का है वो भी नीचे अलग हो जाता है, और जो नीचे ट्रांसपेरेंट बेस नज़र आ रही है वो आपके पास यानी कि सारे हिस्से जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, इनको आप आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे अगर इसके अंदर टुकड़े फंस रहे हैं तो वो जो ऊपर हमने गोल ग्रीन बटन देखा था, आप सिंपली उसको पानी के नीचे रख के उस गोल ग्रीन बटन को दबाएंगे तो वो सारा जो बीच में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है वेजिटेबल वगैरह की जो रेजिड्यू है वो बीच में से निकल के साफ़ हो जाता है। सो इट इट्स बीन आई थिंक 8 or so years जब मैंने ये ख़रीदा था, और इसको मैं तकरीबन 8 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ।
लेकिन इसमें साफ इसको सही से इस्तेमाल करने का सिर्फ ये है कि अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प आती है अगर, तो वो ज़्यादा केयरफुल नहीं रहती हैं, तो आप इसको खुद ही धोएं। खुद ही, मैं तो इसको खुद ही धोती हूँ, मैं किसी और को मतलब हाउस हेल्प को नहीं देती हूँ। तो इसको साफ़ करके आप आसानी के साथ काफ़ी अर्से तक चला सकते हैं। सो इट वॉज अ गुड परचेज, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 8 ईयर्स। और ये टोटल हमारी अब फाइनल आउटपुट आ गई है जी। ये सारे आलू जो हमने तकरीबन 1.25 किलो थे, ये इस तरह से छोटे छोटे क्यूब की सूरत में बना लिए हैं। और आप कोई भी वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, उनको इसी तरह से मुख्तलिफ जो कटर्स के आपके पास सारी ऑप्शन है, ग्रेटिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, और क्यूब्स और छोटे स्ट्रिप्स बना सकते हैं। ओवरऑल गुड परचेज़।